हर सुबह एक नई ऊर्जा एक नए आह्वान के साथ आती है और हमसे कहती है कि चलो कुछ नया करते हैं, कल से कुछ बेहतर करते हैं, अपनी दुनिया को कुछ और खूबसूरत बनाते हैं और अपने जीवन को कुछ और सार्थक करते हैं। हमारे देश में एक कहावत है, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान समान होता है। मेहमान कभी भी एहसान लेकर नहीं जाता, मेहमान हमेशा एहसान देकर जाता है, क्योंकि वो आपको ये यकीन दिलाकर जाता है कि आप इतने सक्षम हैं, इतने समृद्ध हैं, इतने काबिल हैं कि आप किसी को सुख और सुकून का अनुभव दे सकें। जैसे कि ये जगह जहां पर हर साल तकरीबन 50,000 मेहमान आते हैं। जी हाँ, 50,000 मेहमान आते हैं उड़ के। मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेटरी बर्ड्स की, पक्षियों की, जो यहाँ पर आते हैं। अब ज़रा सोचिए, हम हर साल अपनी मनपसंद जगह पर जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जगह में कोई आकर्षण होता है, क्योंकि जगह की कोई खूबी होती है। तो इस जगह की क्या खूबी है, इस जगह का क्या आकर्षण है कि इतने सारे पक्षी यूरोप से, चाइना से, रशिया से यहाँ पर आते हैं? ये जानने के लिए मैं पहुँच गया हूँ हैदरपुर वेटलैंड। इस कड़ी में गंगा और सलोनी के पानी से बने हैदरपुर वेटलैंड में मिलूंगा विदेश से आए मेहमानों से। ये बर्ड्स रशिया से, यूरोप से, चाइना से हमारे देश में आती हैं वेकेशन के लिए। जाऊंगा महाभारत के विख्यात महात्मा विदुर के आश्रम, गन्नों के खेतों में उठाऊंगा भरपूर मजा गन्ने खाने का। मिलूंगा गंगा के प्रहरियों से, जो गंगा को बचाने के लिए सीख रहे हैं अलग अलग कला। उठाऊंगा आनंद बिजनौर शहर के मीठे और चटपटे स्वाद का। ये दाल का जादू है या आपके हाथों का जादू है? जलज सफारी में जाऊंगा गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स को देखने। दियों से टिमटिमाते घाट पर शामिल होऊंगा गंगा आरती। इस हैदरपुर वेटलैंड की रुड़की से दूरी है 65 किलोमीटर। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है हैदरपुर वेटलैंड, जो करीबन 1200 एकड़ में फैला हुआ। गंगा और सलोनी नदी के पानी से बना ये वेटलैंड मध्य गंगा बैराज के बनने के बाद 1984 में अस्तित्व में आया। विश्व के इको टूरिज्म के मानचित्र पर हैदरपुर वेटलैंड उभरता हुआ सितारा है और यहाँ प्रकृति के कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग कुछ वन संरक्षण संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ मिलकर इस वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। मेरे साथ में है एक बहुत ही दिलचस्प इंसान, आशीष लोया इनका नाम है। अब सोचिए, इतनी कम उम्र में सारी सांसारिक चीज़ों को छोड़कर अपना पूरा समय समर्पित कर दिया है इन्होंने हैदरपुर वेटलैंड को। एम आई राइट आशीष? यस। तो आशीष, ये कब ख्याल आया? मैं पहले न्यूयॉर्क में जॉब करता था और फिर 2012 में मैं गुरुदेव ऋषि रविशंकर जी से प्रेरित होकर इंडिया आ गया और उन्होंने मुझे बिजनौर भेजा। हाँ। और यहाँ मैं जब आता जाता बैराज से, तो मैंने काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स देखी और उनकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ और इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। यहाँ हज़ारों बर्ड्स मुझे मिली। हाँ। तो मैंने तुरंत जान लिया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। करेक्ट। अच्छा, ये बताओ कि क्या खूबी है इस जगह की कि इतनी सारी पक्षियाँ, इतनी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहीं पर आती हैं? ये उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया है, रिवराइन फेड वेटलैंड एरिया जो होता है। हाँ। तो एक बहुत रिच हैबिटेट है यहाँ पे, उनको बहुत अच्छा अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट मिलता है। हाँ। अच्छा, नहीं एक मिनट रुक के बताओ मेरे को, ये जगह हमेशा से ऐसी थी जैसी आज दिख रही है? नहीं, ऐसी तो नहीं थी। यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस था हैबिटेट को। पहले यहाँ कैटल ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा थी। हाँ। इलीगल इंक्रोचमेंट्स थे, यहाँ लोग आके बस जाते थे। मगर पिछले 3 साल में इसका रूप बदल गया है जब से यहाँ कंजर्वेशन एफर्ट्स इंप्लीमेंट होने शुरू हुए। तो वो मुश्किल था? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। पहले तो हमने वन विभाग के साथ अपनी फाइंडिंग्स शेयर करी, इतने जो चेकलिस्ट बर्ड्स की बनाई, उनको अलर्ट किया कि ये बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है
और जो यहाँ पे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे पहले वीके जैन जी, उनको ये बात तुरंत समझ में आई और उन्होंने गांव वालों के साथ भी आपस में काम किया और वन विभाग ये काम रेगुलर बेसिस पे करता है कि उनको इस जगह के बारे में समझाना, उनके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। अच्छा, इसको बचाने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या? सबसे बड़ी चुनौती है इस हैबिटेट को सिक्योर करना, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमने सिर्फ बर्ड्स देखी है और इसके अलावा भी और वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, जैसे स्वाम्प डियर जो कि एंडेंजर्ड एनिमल है। यहाँ पे लगभग 150 का झुंड है उनका। यहाँ पे रिवर ऑटर्स हमें मिले हैं और आज जो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है क्राइसिस एक एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज का, उसके लिए हमें इस तरह की साइट्स बचाना बहुत जरूरी है। यस, वेटलैंड खत्म होते गए तो बाढ़ का पानी जो है वो शहरों में घुस जाएगा। पानी को फिल्टर करने का काम करता है वेटलैंड, am I right? Yes, जल स्तर बनाए रखता है जमीन का, सूखे में पानी का सप्लाई करता है। तो जिस देश में पानी की बहुत कमी हो उस देश में वेटलैंड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी वेरी ट्रू। ये बहुत ही फक्र की बात है कि ये वर्ल्ड का जो इको टूरिज्म का मैप है जी, उसमें एक उभरता हुआ सितारा है। यस, वेरी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कुछ बर्ड्स और उनकी संख्या ऐसी है जो कहीं और आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। ये यूनिक चीजें हैं कुछ यहाँ पे, जो सिर्फ यहीं पे हैदरपुर वेटलैंड में। ये सिर्फ हैदरपुर वेटलैंड के लिए फख्र की बात नहीं है, ये हमारे लिए भी फख्र की बात है कि ये बर्ड्स रशिया से, यूरोप से, चाइना से हमारे देश में आती हैं वेकेशन के लिए। परवाज पक्षियों की हो या हौसलों की, ऊंची ही अच्छी लगती है। और यहाँ तो परिंदे भी आसमान चूम रहे हैं और हमारे हौसले। एक सेकंड भाई साहब, उनसे तो बात हुई नहीं हमारे अभी तक। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, अंकित इसी गाँव के रहने वाले? हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? बर्डिंग। बर्डिंग कर रहे हो? हाँ। मतलब पक्षियों के बारे में जानना चाह रहे हैं। जानना चाह रहे हो आप? हाँ। कितना जान गए हो अभी तक आप? 180। अरे बाप रे बाप, ये तो आप लोग इनको ट्रेन कर रहे हो? हाँ जी। 180 पक्षियों को, चिड़ियों को पहचान लेते हो? हाँ। अच्छा, वो सामने जो व्हाइट कलर की है वो, उसका क्या नाम है? बार हेडेड गूज। यार ये तो ही ना बात कमाल की। इतना तो मुझे, और कौन सी है बताओ? कॉर्मोरेंट। अरे यार पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है, मैंने इतने साल निकाल लिए स्कूल कॉलेज में यार। हाँ। और अच्छा लगता है जब वो उड़ के यहाँ पे आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जब जाते होंगे ये लोग साल में, तब दुख होता होगा जब भी वापस जाते होंगे अपने अपने घर? जब ये पानी घटता है तब। हाँ। भी ऐसे ही लगता है। तो फिर वेट करते हो कि अभी आएंगे हमारे गेस्ट? कब आते हैं? दिसंबर में आते हैं या नवंबर में? ये जनवरी में आ जाते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब अगर बच्चे अभी ये लोग अगर बर्डिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं और कल को जब टूरिज्म बढ़ेगा तो ये तो गाइड बन के जाएंगे। खासकर ऐसे बच्चे जो समझने लगे कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इन वेटलैंड्स को बचाएंगे अंकित जैसे लड़के। साइकिल चलाना और फिर ठहर कर पक्षियों के बारे में जानना समझना मेरी उत्सुकता को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये ऐसी आवाज कब करती है? ये जो पैनिक होके फ्लाई कर रही है अभी। हाँ। कोई रैप्टर आया है, बहुत डर लगता है इनको। व्हाइट टेल ईगल से वहाँ पे जो बैठी है जमीन पे ना। हाँ। वो ईगल तो किंग है वेटलैंड की, और जब वो उड़ती है तो ये सब डर के भाग जाते हैं। वाह क्या बात है, पक्षियों का टाइगर। ये भी नेटिव है या नहीं? ये माइग्रेटरी है, ये भी बाहर से आते हैं और ये बहुत रेयर है, बहुत कम दिखती है इंडिया में। एक सबसे अच्छी बात तो ये, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे नेटिव बर्ड्स, हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स सब साथ में, एक दूसरे किसी को तकलीफ नहीं एक दूसरे के साथ में। गोवा में मेरा घर है जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ आती है। धीरे धीरे करके अब एक डेवलप हो रहा है इंटरेस्ट। इट एब्जॉर्ब्स यू इनटू नेचर। या एक बड़ा बच्चा वाला सवाल है वैसे, इन पक्षियों को मालूम कैसे पड़ता है कि उन्हें वापस अपने घर जाना है और वहाँ से इधर ही आना है? हाँ, ये एक मिस्ट्री है साइंस की। इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। बर्ड्स को सैटेलाइट टैग किया जा रहा है। हाँ। उनके रूट्स देखे जा रहे हैं। अभी तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। दे से दैट दे यूज मे बी स्टार्स फॉर नेविगेशन, तारों का सहारा लेते हैं कुछ, या कुछ किसी तरह प्रकृति का एक चमत्कार है जिसको, और हम सोचते हैं कि दिमाग सिर्फ हम में ही है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। प्लेजर। थैंक्स आशीष। जैसा आशीष ने कहा, उड़ते परिंदों को देखना और उनके परों के संगीत में खो जाना एक तरह की मेडिटेशन है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ 300 प्रकार से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां। आगे विदुर भूमि में जानूंगा विदुर कुटी से जुड़ी कुछ खास कहानी। उठाऊंगा गन्ने को खेत से तोड़कर खाने का आनंद। हेरा मेरा गन्ना। देखूंगा गंगा को बचाने के लिए कैसे बना रहे हैं तरह तरह की चीजें गंगा के पहले। चखूंगा गोंद और शक्कर के लड्डू और मूंग दाल की चाट। मैं आ गया भैया। बिजनौर को विदुर नगरी भी कहा जाता है।
बिजनौर शहर से करीबन 15 किलोमीटर दूर दारानगर में स्थित है महाभारत ग्रंथ के महात्मा विदुर का आश्रम। क्यों कहते हैं बिजनौर को विदुर नगरी, ये जानने के लिए मैंने समय लिया इसी गांव के प्रधान से। नमस्कार। नमस्कार जी। आज से 5500 वर्ष पूर्व महाभारत कालीन के दौरान जब दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उस समय विदुर जी वहाँ के मंत्री थे, तो उन्होंने दुर्योधन का विरोध किया कि इस तरह से स्त्री का अपमान मत करो। तो उन्होंने विदुर जी का अपमान करके उन्हें जो था हस्तिनापुर से निकाल दिया। महात्मा विदुर ने गंगा किनारे आकर तपस्या करनी शुरू कर दी, इससे इस पवित्र स्थान का नाम विदुर कुटी पड़ा। बिजनौर का नाम आपने कहा कि विदुर नगरी पड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ से उनका प्रभाव था जी। और कोई कारण? महात्मा विदुर जी जो थे यहाँ पर बिजनौर में स्थित थे और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रात्रि विश्राम किया, तो यहाँ पर विदुर जी की तपोस्थली पर रहे। रात को उन्होंने बथुए का साग जो एक साधु संतों के पास था सम्मान में, वही उन्होंने यहाँ पर उन्हें भोजन ग्रहण कराया। तो इसलिए 5500 वर्ष पूरे होने के बाद भी यहाँ आज भी 12 महीने प्रसाद के रूप में जितने यहाँ श्रद्धालु आते हैं बथुए का साग लेकर के जाते हैं। ये बथुआ ही है ना? जी बथुआ ही। तो ये ऐसे उगता है यहाँ पे जंगली? जी यहाँ पे 12 महीने रहता है ये विदुर जी की और कृष्ण भगवान की महिमा है। क्या बात है, बताइए। ऐसी मान्यता है कि सदियों साल पहले महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण भगवान को साग खिलाया था बथुए का, और आज भी ये खिलाया जाता है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात विधवा स्त्रियां यहाँ पर महात्मा विदुर की शरण में आई थी और महात्मा विदुर ने उन्हें यहीं पर बसाया था। दारानगर के नाम से भी जुड़ी एक कथा है। संस्कृत में दर का अर्थ स्त्री होता है और क्योंकि यह जगह विधवा स्त्रियों का निवास स्थान बनी, इसीलिए इसका नाम दारानगर पड़ गया। मानने वालों के अनुसार महात्मा विदुर के पदचिन्ह आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हस्तिनापुर है और वहाँ से ही विदुर जी ने यहाँ पे आके आश्रम बनाया था जी। और गंगा जी बिल्कुल मंदिर के पास लग करके बहती थी। हाँ, तो बड़ा पावन स्थान हुआ है जी। बिजनौर अपने गन्ना उत्पादन के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। गंगा के पानी से सिंचित ये खेत मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे और मैंने वही किया जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं, दिल की सुन ली। और ये आ गया गन्ने का खेत। अब ढूंढना ये पड़ेगा कि कौन सा गन्ना खाने लायक है। गन्ना तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है बाद में, इसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। मुश्किल है लेकिन इरादे मजबूत हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये रहा मेरा गन्ना। चलिए देखिए, अगर मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जो अपने गन्नों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो और अगर मेरे चारों तरफ गन्ने के खेत हों और मैं गन्ने ना चूसूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब सर्दियों में धूप में गन्ने चूसा करते थे। लीजिए, गन्नों की बात की और गन्ने लेके आ गए। चाचा नमस्कार। चलिए चलिए, कहाँ ले जा रहे हैं गन्नों को? गन्ने को सेंटर पे ले जा रहे हैं। चाचा एक बात बताइए, गन्ना चूसने में मजा आता है? हाँ, चूसने में मजा, चूस पीने में मजा। हाँ, चूसने में मजा आता है। जो मजा बहुत चूसने मजा में आता है वो जूस में नहीं है ना? ना ना, जूस में नहीं। दांत मजबूत होना चाहिए। हाँ, है कि नहीं? दांत मजबूत होना चाहिए। आप चूसते हैं गन्ना? चूस लेते हैं अभी। पक्का? हाँ, चलिए चूस लेते हैं। खेत आपका कहाँ पे है? खेत पीछे है थोड़ा, आधा किलोमीटर पे। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी खूब उपज हो, आप मिठास बांटते रहे, खूब धन कमाए। ये गेहूँ की फसल है और ये देखिए क्या मिल गया मुझे। मुझे मिल गए हरे हरे मटर। ये मटर जितने स्वादिष्ट होंगे ना, इसका कोई जवाब नहीं। यही मटर हमें मुंबई में 20 दिन बाद 25 दिन के बाद खाने को मिलेंगे। मेरा बस चले तो मैं पूरी बोरी भर के ले जाऊं यहाँ से मटर। मेरे देश की धरती मटर उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दिवाली पर मोमबत्ती जलाते या फिर घर में अगरबत्ती से भगवान की पूजा अर्चना करते या फिर खरीदारी की टोकरियां लेते, आपने कभी सोचा है कि ये किन हाथों ने बनाई होंगी? कैसे छोटी छोटी चीजों को जोड़कर इनको आकार दिया गया होगा? गंगा किनारे बनती ये रोजमर्रा की जरूरत की छोटी छोटी खूबसूरत चीजें
गंगा के और इन्हें बनाने वालों के जीवन में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। देखिए, बदलाव लाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाएं सिर्फ मार्गदर्शन में काम करती है। बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक उस मार्ग पर चलने वालों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा। तो गंगा को बचाने के लिए नमामि गंगे ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की है जो गंगा के तट पर जो लोग रहते हैं उनमें चेतना जगाते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। सही कहा मैंने जयमिला जी? जी, जो हैदरपुर वेटलैंड यहाँ पे है उसके किनारे बसे गांव में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनको हम लोग जो गंगा में जलीय जीव रहते हैं उसके संरक्षण के विषय में इनको बताते हैं, इनको जागरूक करते हैं और ये इनको हम इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि ताकि आगे चल के ये हमारे सहयोगी बने और लोगों को भी जागरूक करने में हमारी मदद करें। करेक्ट, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक वो बदलाव कभी आएगा नहीं। तो ये सब अलग अलग किस्म की चीजें सीख रही है। जी जी, मजा आ रहा की नहीं आ रहा सीखने में? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो अभी टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आए तो हमने देखा कि यहाँ पे मूंज घास और कांस की जो घास है वो गंगा नदी के किनारे उपलब्ध है। अब हम इनको इसमें ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग तरह की बास्केट बनाने के लिए। और देखिए कितनी सुंदर बास्केट बनाएंगे जी। आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप और हम मिलके क्या कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं वो काम मैं भी कर रहा हूँ। हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम गंगा को बचाएं। क्या कर रही हैं आप, क्या सीख रही हैं? अगरबत्ती। अरे वाह, तो अगरबत्ती और धूपबत्ती के लिए फूल कहाँ से आते हैं? जो गंगा के पास रहते हैं हम उन्हें इकट्ठा करते हैं और हम धूपबत्ती बनाते हैं। तो दो चीजें एक साथ हो गई, आपका व्यवसाय भी बन गया और गंगा में जो फूल जाते हैं वो भी बच गए। तो बड़ा कमाल काम कर रही है। गंगा मैं लिली ऑन देते हैं, सब फूल लेते हैं सकेर के वहां पर। क्या बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका व्यवसाय खूब चले, है कि नहीं? बहुत सुंदर है आप, अपनी आंखें किसने बनाई है आपकी? काजल वाजल मस्त लगाया आपने एकदम से, खुद ही करती है अपना मेकअप? हाँ, और बहुत सुंदर लग रही हैं आप। बिजनौर जैसे शहर स्वाद से भरपूर होते हैं और इस स्वाद को मैं चखना लूं तो मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो देखिए मैं बिजनौर आया था। जी 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 सर। तो मैंने कहा इससे पहले बिजनौर छोड़ के जाऊं यहाँ से मुंह मीठा करके जाता हूँ कम से कम। और मुझे किसी ने बताया कि आपके यहाँ गोंद के लड्डू बनते हैं, वो भी चीनी से नहीं बनते। जो शक्कर होती है हमारे पास जी, उस चीज के बनते हैं। गन्नों का क्षेत्र है पूरा, वो और अच्छे होंगे। जी जी जी, ये है वो आपके मशहूर गोंद के लड्डू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। तो हम कह सकते हैं ये सेहत का बॉम्ब है। जी 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 जी, है ना, जी सेहत का बॉम्ब है ये गोंद का लड्डू। गोंद के लड्डू के बाद कुछ चटपटे की तलाश। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भैया क्या बनाते हो ऐसा कि लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ बिजनौर आए हो तो ये मूंग की दाल जरूर खा के जाइएगा। जी भाई साहब, मूंग की दाल होती है, ये चटपटी होती है, मसाले से तैयार होती है। मुझे मालूम सब चीजें, बात क्या लगी, मूंग की दाल जो होती है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जी जी। और अक्सर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ आपको अरहर की दाल मिलती है। जी भैया, मुद्दत हो गई सड़क के ऊपर खड़े होकर कोई ऐसी चटपटी चीज खाए हुए। जी जी, तो एक कटोरी हो जाए। इधर आपने दाल कच्ची रखी हुई है, अभी इसको चटपटी बनाओगे? जी बिल्कुल, उबली हुई दाल होती है केवल ये। जी यार, ये रेसिपी मुझे दोगे? जी भाई साहब बिल्कुल बताएंगे। चटनी गई हरी और ये दाल तैयार हो गई। मजा आ गया भैया, ये दाल का जादू है या आपके हाथों का जादू है? जी ये मसालों का जादू है। कितनी मात्रा में जाना है सब पता है। जानूंगा तेजी से लुप्त होती गैंजेटिक डॉल्फिन्स को बचाने के प्रयास। सर, लुप्त होने का कारण सिर्फ दो है, हम और हम। नमामि गंगे द्वारा बनाए गए गंगा घाट पर देखूंगा ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा। गंगा कितनी खूबसूरत लग रही है आप। दियों की रोशनी के बीच लूंगा भाग बिजनौर की गंगा आरती में। हम में से कुछ ही भाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स का दीदार किया है। अगर आपने डॉल्फिन्स नहीं देखी हैं, तो आप बिजनौर जरूर आइएगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ये खूबसूरत डॉल्फिन्स आपके आगमन और आपके स्नेह की प्रतीक्षा में हमेशा रहती है। हाँ तो डॉल्फिन नजर आएंगी कि नहीं आएंगी? डॉल्फिन आ सकती है नजर, बट उसके साथ में बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आई हुई है। अच्छा ये बताइए मुझे कि डॉल्फिन्स को बचाने की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है? मेरे ख्याल से संरक्षण की इतनी जरूरत नहीं है जितना बहुत ज्यादा संरक्षण की जरूरत आ रही है अभी। अच्छा। क्योंकि जो पहले जो पॉपुलेशन थी वो टाइम के हिसाब से अब कम होती जा रही है और हमारे पास में सिर्फ खोने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर इसको अभी नहीं बचाएंगे तो मुझे लग रहा है फिर कभी नहीं बचा पाएंगे।
और ये अपने आप में बहुत डिफरेंट स्पीसीज है ना? जी बिल्कुल, डॉल्फिन्स का प्रेजेंस अपने में ही शो कर रहा है कि पानी की गहराई 3 मीटर से ज्यादा है वहाँ पे, फिश की डाइवर्सिटी अच्छी है वहाँ पे, और उनको स्विम करने के लिए काफी लंबा एरिया उनके पास में है। अच्छा, डॉल्फिन्स को दिखता नहीं है ना? नहीं, डॉल्फिन सोनिक बैटरी पे काम करता है, सिर्फ रडार सिस्टम में अपना एक वेव्स पानी में छोड़ेगा और वहां से सिग्नल्स कैच करेगा, देन उस बेस पे वो काम करती है। बहुत सुंदर होती है। और डॉल्फिन्स की तादाद कितनी है रफली? मतलब रफली यहां से लेके अगर हम हस्तिनापुर मेरठ की बात करें तो 15 के अराउंड जो है हमें यहां पे डॉल्फिन्स की। हाँ, और लुप्त होने का कारण क्या है पोचिंग? सर, लुप्त होने का कारण सिर्फ दो है, हम और हम। तो उन्हें बचाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान प्ले कर रहा है कि जो लोग फिशिंग करते थे तो उनको हमने जो है थोड़ा सा कंजर्वेशन में इनको शिफ्ट किया। हमेशा से हम बात करते हैं लाइवलीहुड की, कि अगर हम आपको मना कर रहे हैं कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए तो, बट उसके बदल में हमें मतलब क्या सोल्यूशन मिल रहा है, तो वो हमने उनको जो है एक अल्टरनेट लाइवलीहुड देने का स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो इनिशियली 5 नाव हमने लॉन्च करे हैं यहाँ पे, तो ये लोग ना ही टूरिस्ट को घुमाएंगे यहाँ पे, उनको बताएंगे भी, संरक्षण में भी करेंगे, प्लस यही अपनी कम्युनिटी में एक मैसेज देंगे जाके कि हमें इसे ये फायदा हुआ है और भी हम। और अब जब उनकी आजीविका जो है वो डॉल्फिन में निर्भर करेगी, बिल्कुल तो जाहिर सी बात है कि वो डॉल्फिन का संरक्षण तो उसको और बढ़ चढ़ के और उसमें हिस्सा लेंगे संरक्षण में। बहुत अच्छा ख्याल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आने वाले समय में कभी मैं यहाँ पे आऊँ, आपसे मिलूँ, तो आप मुझे बोले कि राजीव 17 नहीं, इस बार 34 है, 50 है। बिल्कुल, ये होगा। पहले से काफी बढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब वो लोग खुद फोन करके कहते हैं, सर यहाँ पे आज हमने सुबह सुबह नहाने गए थे तो 2 डॉल्फिन देखी हमने। पर जनाब, डॉल्फिन से नजर नहीं आई। बट सर, आप खुश हो जाइए कि आप डॉल्फिन के हैबिटेट में बैठे हुए हैं, एक अच्छी लोकेशन पे बैठे हुए हैं। कोई दो राय नहीं है, खुश तो मैं हूँ, गंगा के साथ हूँ, गंगा का स्पर्श है। आपको डॉल्फिन मिले तो मेरा हाय बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गंगा के बिजनौर घाट से नदी में ढलते सूरज का एक शांत और मनोरम नजारा देखने को मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनौर में। गंगा कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये बिजनौर जिला जहाँ आप खड़े हैं, महात्मा विदुर की धरती पर, यहाँ 75 किलोमीटर इसे टच करके निकलती है गंगा जी। और गंगा मैया का हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद है, यहाँ पे जितनी खेती बाड़ी सब में गंगा का स्पर्श होता है। उसमें गंगा का सब गंगा का ही है, हम लोगों की हंसी गंगा है, हम तो बांधते हैं, हमारी हंसी गंगा है। क्या बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक नागरिक की तरह ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर की तरह ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ एक बदलाव हमारे देश में, कि स्वच्छ रहना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या बदलाव क्या है ये सब अभी हाल फिलहाल बने? हाँ राजीव भाई, ये 2016-17 में बने हैं और महिलाओं के लिए अलग है, कपड़े बदलने के स्थल बनाए गए हैं, ये कभी कोई सोचता नहीं था राजीव भाई। और घाट पे तो बिल्कुल सोचता नहीं था। मुझे याद है पापा मुझे बचपन में जाते थे हम हरिद्वार वगैरह, जी जी, तो जितनी गंदगी देखा करते थे वो सब बदल गया। हाँ, बिल्कुल सब बदला। देखो अब लोग आम आदमी सफाई करते हैं, बड़े लोग से लेकर नीचे तक सब लोग सफाई करते हैं, नीचे से ऊपर तक सफाई करते हैं। और ये पूरे 75 किलोमीटर में इकलौता घाट है। गंगा कभी किधर चली जाती है, कभी किधर चली जाती है, क्योंकि गंगा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन यह बस बैराज है, तो इस वजह से यही एक तट है जो गंगा परमानेंट 12 महीने से टच करके निकलती है। जिस गंगा को पाने के लिए लोग केरला से और इंडिया से बाहर से ऑस्ट्रेलिया से तो आते हैं, लोग केरला से भी आते हैं, लोग नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के हर कण कण में है गंगा और हर भारतीय के रग रग में है गंगा। जलाकर अपने कर्मों का दिया रोशन कर दे तू ये धरा, व्यर्थ ना चला जाए जन्म तेरा, सजा दे ये दुनिया तू भी सरा। कितना सुकून देती है गंगा माँ की आरती हमें भी, और शायद गंगा माँ की कोख में पल रहे अन्य जीव जंतुओं को भी। बस काश हम इंसान भी इन्हीं जीव जंतुओं को यही सुकून दे पाते। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जहाँ पर एक डॉल्फिन को कुछ युवक चाकुओं से दरातियों से काट रहे थे, मार रहे थे। उस डॉल्फिन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन शायद वो युवक अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। उस वीडियो को देखकर शब्द नहीं थे जैसा उस डॉल्फिन के पास नहीं होंगे, तकलीफ हो रही थी जैसा उस डॉल्फिन को हो रही होगी, दर्द हो रहा था जैसे शायद उस डॉल्फिन को हो रहा था, लेकिन एक चीज़ जो उस डॉल्फिन को नहीं हो रही थी लेकिन हमें हो रही थी, वो थी शर्मिंदगी का एहसास। अपने से किसी कमज़ोर पर अत्याचार करने से अगर किसी को अपनी ताकत का अनुभव होता है तो शायद वो इंसान भ्रम में जीता है।
क्योंकि ताकत किसी को गिराने में नहीं, ताकत किसी को उठाने में लगती है। ताकत किसी को मिटाने में नहीं, ताकत किसी को बनाने में लगती है। ताकत किसी को हराने में नहीं, ताकत किसी को जीतने में लगती है। कोशिश करके देखिएगा। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि अपनी ज़िंदगी में अगर किसी बेबस के सामने आप अपना हाथ उठाएंगे तो उसे दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि उसका दर्द लेने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब आखैर।